से ये खेल देखते आई हूँ, पर आज जैसा खेल कभी नहीं देखा, क्यों गस? हाँ, तुम ठीक कहती हो ग्रेचन। ये खेल बहुत सारे खिलाड़ी बहुत सारी जगहों पर खेल चुके हैं, पर जितना जोश आज की दो टीम्स में उतना कहीं नहीं होगा। जोश से मुझे याद आया, हमारा अगला खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि जोशीला किकर शहनशाह लात, हमारा अपना सुपर किकर विंस द ग्रेट है। ये अपनी मेहनत से ऊपर आया है, मुसीबत की हर घड़ी में वो अपनी टीम के लिए हमेशा अच्छा स्कोर बनाता है। तो आइए उसका गेम देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि विंस स्कूल का सबसे बेहतरीन किकर है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं कि विंस की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। नौवां राउंड खत्म होने को है, दो आउट, रिसेस खत्म होने में एक मिनट। टीजे की टीम की हालत ठीक नहीं, मतलब जब एक टीम के पास विंस हो तो दूसरी टीम जीत ही नहीं सकती। बिल्कुल, खासकर जब उनका आखिरी खिलाड़ी हो एशली क्यू। जैसे कि एलिसन, तुम चलकर राख हो जाओगी जब तुम्हें पता चलेगा कि कल मैं किससे। एशली क्यू, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी, देखते नहीं मैं फोन पर हूं। उसे होल्ड पर रखो, बारी तुम्हारी है। ओके ओके, होल्ड ऑन एलिसन, मुझे बस एक सेकंड लगेगा, जैसे कि मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। अच्छा, अब चलो सब लोग अंदर आ जाओ। खिलाड़ी के आसपास इतने फील्डर है कि आउटफील्ड पूरा खाली है। और क्यों ना हो ग्रेचन, टीजे की टीम की एशली क्यू सबसे कमजोर खिलाड़ी जो है। तो जैसे कि मैं क्या कह रही थी, तो तुम बस उसे इतना कह देना। एलिसन, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। कैलकुलेशन के अनुसार इससे पहले कभी किसी ने इतनी लंबी किक नहीं मारी। कमाल है, एशली क्यू तो विंस से भी बेहतर है। क्लास ने हमें किकबॉल खेलने को बुलाया है। नहीं, तुम सब मेरे बगैर ही जाओ, मुझे नहीं लगता मैं खेल पाऊंगा। क्या कहा तुमने? कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा खेलने का मन ही नहीं कर रहा। एशली क्यू ने तुझसे लंबी किक मारी इसलिए? क्या मजाक कर रहा है? वो तो सिर्फ एक तुक्का था, किस्मत का खेल, बड़े बड़े शहरों में चोरी चोरी बातें होती रहती है। हाँ यार, तुम अब भी स्कूल के सबसे अच्छे किकर हो, ये सब जानते हैं। सच में? हाँ बिल्कुल, केजी से लेकर आज तक हर गेम में तुम्हें पहला चुना गया है। ए टीजे, तुम लोग खेलोगे या नहीं? हम खेलेंगे। तो मैं चुनता हूँ एशली क्यू को। छोड़ो भी विंस, तुम्हें पहले नहीं चुना गया तो क्या हुआ, तुम्हें सिर्फ ये साबित करना होगा कि तुम जैसा और कोई नहीं। पता नहीं टीज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल विंस, तेरी बारी। तुम आउट हो गए। अरे चलो भी, गलती तो हर किसी से होती है ना, तुम अपनी दूसरी बारी में खेल लेना। फाउल बॉल। मैं कह रहा हूँ यार, मुझ में अब वो बात नहीं रही। अरे यार, अभी तो गेम शुरू हुआ है। उसे पता है ना गेम शुरू हो चुका है। मैं चुनता हूँ बिली को। अब तो सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं दोस्त। हाँ लगता तो है। अरे चलो भी यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात तुम सुनो, आखिर में चुना जाना इतना भी बुरा नहीं है। मैं चुनती हूँ कस को। मैं आखिरी नहीं हूँ। हाँ सबने सुना ना, मैं आखिरी खिलाड़ी नहीं हूँ। हाँ मैं हारा हुआ खिलाड़ी भी नहीं हूँ। उसे तुम लो। नहीं तुम उसे लो। नहीं तुम लो। नहीं तुम उसे लो। नहीं तुम लो। नहीं तुम उसे लो। बस करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं कभी भी किकबॉल नहीं खेलूंगा, समझे? ये क्या कह रहे हो विंस? तुमने ठीक सुना है, अब मैं कभी किक नहीं मारने वाला हूँ। घर में कोई नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हो विंस, और स्कूल क्यों नहीं आए? मैं बिजी था, पिछला जून याद है? यार वो दिन कितने अच्छे थे ना। हाँ विंस, पर आने वाले दिन भी अच्छे होंगे। नहीं, पुराने दिनों के जैसे नहीं। रूट बियर लोगे? ए, तुमने मेरी वो केक देखी? यार तब तो मेरा कोई जवाब ही नहीं था। ये पिछले हफ्ते की बात है। हाँ, ये वक्त तो रुकता ही नहीं ना। अब छोड़ भी, तू क्या चाहता है, सारी जिंदगी यूं ही अपना ये सड़ा हुआ वीडियो देखकर बिताएगा? आगे की तो सोच। आगे सोचने को बचा ही क्या है स्पिनली, मुझे हराया भी तो एक एशली ने, सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैं बेकार हूँ दोस्तों, बेकार था और बेकार ही रहूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं खा रहे हो।
अरे वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कभी फर्क पड़ता था तो उन दिनों में जब मैं अच्छा खिलाड़ी था, पर अब किसे परवाह है। काश कोई तरीका होता जिससे हम विंस का आत्मविश्वास लौटा पाते। पर कैसे, उसकी किक तो केजी के बच्चे जैसी है। उसके सारे लक्षण एक सफल पर हारे हुए खिलाड़ी के हैं। इस तरह की मुश्किल का एक ही हल है, खिलाड़ी को फिर से सफलता का अनुभव करवाना। कहना क्या चाहती है, किक तू मारेगी? हे, शायद ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है टीजे? ग्रेच, तुम्हारे पास वो चीज है जो तुमने पिछले साल साइंस प्रोजेक्ट में बनाई थी। पर इस चीज का उससे क्या लेना? शायद बात बच जाए। मैं समझी नहीं, तुम दोनों क्या बक रहे हो? समझाने का वक्त नहीं है, चलो। एक बात कहो स्पिनेली, मैं भी कुछ नहीं समझा। समझने की जरूरत नहीं माइकी। सब सुन लो, कोई भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अरे वाह यो, उसे मत छुना। अब तक ये खत्म नहीं हुआ है। अच्छा हुआ निशाना हमारी ओर नहीं था। तेरा वो बढ़िया आइडिया क्या है, दिखाओ ग्रेच। ऐसा है, पिछले 2-3 सालों से मैं एक ऐसा पदार्थ बनाना चाहती थी जो साबुत की जगह ले सके। क्यों? वो वैसे ही टाइम पास के लिए, और फिर एक दिन मुझसे ये बन गया। ये क्या है? इसका नाम है गोलू। गोलू? गोलू। तो इसमें ऐसा क्या खास है? तो बस देखती जाओ। वाओ! देखा, इसी से तो मुझे ये आइडिया सूझा। अगर हम इस चीज का एक बॉल बनाकर विंस से किक करवाए तो उसकी मुश्किल खत्म। सिर्फ एक मुश्किल है, विंस ने कहा था वो कभी किक नहीं मारेगा। हाँ, हम उसका इरादा कैसे बदलेंगे? वो सब मुझ पर छोड़ो दोस्तों। ठीक है, सबको अपने डायलॉग याद है। अब याद रखना, जब माइकी चोट लगने की एक्टिंग करेगा और हम मदद करने जाएंगे, तब गस चुपके से जाकर असली बॉल को ग्रेचन के गोलू बॉल से बदल देगा। तुम समझ गए ना गस? बिल्कुल। ठीक है, तो चलो शुरू करें। मेरा पैर, मेरा पैर! क्या बात है माइकी? मैं किक नहीं कर सकता, मैं किक नहीं कर सकता, मुझे कांटा छुपा है। मेरे अंगूठे में कांटा छुपा है। अरे यार, बहुत बुरा हुआ। अब माइकी के गेम के बाहर होने की वजह से तुम हार जाओगे खुद बखुद। फिक्र मत करो, हमें जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा। पर कौन? सारे अच्छे बच्चे तो खेल चुके। हे विंस, मदद करोगे? सॉरी टीज, किसी और को ढूंढ लेना। तुम्हें मदद करनी होगी यार, अगर किक नहीं मारी तो हम हार जाएंगे। हाँ, अब इसकी आदत डाल लो। अब मैं तुम सबकी मदद नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ। बेकार नहीं हो विंस, तुम बढ़िया खिलाड़ी थे और रहोगे, बस तुम ये बात जानते नहीं हो। देखो, सालों से तुम ही हो एक बेस्ट किकर, एक बेस्ट रनर, एक बेस्ट थ्रो, हर खेल में बेस्ट हो तुम। ये तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है, तुम्हारा आत्मविश्वास पाना। कोशिश तो करो, कोशिश भी नहीं करोगे तो बेकार कहलाओगे विंस। तो जाओ मेरे यार और किक करो बॉल को, उनके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पर अपने लिए तो करो। ह्यूस्टन, एक मुसीबत आ गई है। मैंने कर दिया दोस्तों, मैंने कर दिया, तुम सही थे, मैं बेकार नहीं हूँ। चलो काम हो गया। हाँ काम हो गया, फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये एक झूठ है। बात तो ये है कि हमने विंस का आत्मविश्वास लौटाया। सच में? या हमने उसके लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी? शायद, पर मैंने इस बात को इस तरीके से सोचा ही नहीं। माफ करना दोस्तों, मैं जितनी जल्दी हो सके आ गया। ज्यादा कुछ मिस नहीं किया, बस विंस की बॉल को अंतरिक्ष जाते नहीं देख पाए। सचमुच? पर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, कहना क्या चाहते हो गस? देखो, जैसे तुमने कहा था वैसे मैं चुपचाप कोने में खड़ा था, ठीक है, पर फिर मुझे इमरजेंसी में बाथरूम जाना पड़ा और मैं बॉल अंदर नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने बॉल बाहर रख दी और जब मैं बाहर आया तो बॉल गायब थी। तेरा मतलब तूने बॉल को बदला ही नहीं था? सॉरी। पर इसका मतलब? जिस बॉल को विंस ने किक मारी वो असली बॉल थी। उसने असली बॉल को अंतरिक्ष में भेजा। एक मिनट, अगर विंस ने असली बॉल को किक मारी थी तो मेरा गोलू कहाँ है? बदमाश बच्चे, कहीं के बॉल को मैदान में छोड़ दिया जहाँ कोई भी इसे ले सके। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ जहाँ ये ज्यादा महफूज रहेगा। आ!
सुंदर कहीं के। वाओ एशली, ये बहुत अच्छी ड्राइंग है। थैंक्स एशली, क्यों मैं एक हफ्ते से इस पर काम कर रही हूँ। मेरी मास्टरपीस। निकलो यहाँ से चूहे के बच्चे। तुम आउट हो माइकी। अरे यार, कोई मदद चाहिए? कितना अकड़ू है। अरे वैसे वो बच्चा है कौन? पता नहीं, उसे पहले नहीं देखा। मैंने भी नहीं। ए सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी टीचर कौन है? तुम खो गए हो क्या? शायद ये बहरा है। उसमें क्या है, मेरे नाना भी बहरे हैं, पर हम एक दूसरे को समझते हैं। ये देखो, तुम्हें सुनाई देता है क्या? लगता है इसे हिंदी समझ में नहीं आती है। क्यों? लगता है ये एक बहरा हिंदी न समझने वाला लड़का। ये जो भी है, हमें परेशान नहीं कर रहा। चलो गेम खेले। हाँ चलो। ये क्या? लगता है ये इस कील पर गिरा। मुझे यहाँ पहले कोई कील नहीं दिखी थी। ओ, हमारे खेल का तो बैंड ही बज गया। चलो कुछ और खेले। हाँ चलो कुछ दूसरा खेलते हैं। एक चीज पीछे कोई है। उस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है? पिल्ले की तरह पीछा कर रहा है। पिल्ले की तरह? शायद ये हमारा मैस्कॉट बन सकता है। बेकार की बातें बंद कर। दरअसल एक इंसानी मैस्कॉट के आइडिया में कुछ अलग ही बात है। हाँ, जैसे बेसबॉल में अजीब कपड़े पहने हुए लड़के होते हैं ना, वैसे ही। सिर्फ फर्क ये होगा कि ये हमारा होगा। पर हम उसे बुलाएंगे क्या? वैसे वो हर वक्त सैंडविच खाता रहता है, तो हम उसे सैंडविच खाऊ लड़का बुलाएंगे। हाँ, सैंडविच खाऊ लड़के तुम हमारे मैस्कॉट बन सकते हो। चलो चल कंचे, स्पिनेली को इस खेल में जिता दे। मेरा कंचा, धन तेरे की। मेरा नया बैट। मेरी नई बॉल। स्लॉपी जोस, मेरा फेवरेट बर्गर। वो भी एक ही बच्चा है। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा। मुझे मेरा चश्मा नहीं मिला, मैं नहीं देख पाऊंगा। यार कितना अजीब दिन है। हाँ, पता नहीं क्यों आज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। शायद आज जमावस का दिन हो, शायद जादू टोना हो। मुझसे शीशा टूटा था, उसका असर पहले ही हो चुका है। चलो भी, तुम सब अंधविश्वासी हो रहे हो। सभी की किस्मत बुरी नहीं है। देखो, मेरे शक्कर के टुकड़े से बने डीएनए डबल हेलिक्स की मॉडल को साइंस फेयर में पहला ऐदा मिला। वैसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, ताकि एक दिन मैं पीछे मुड़ कर ये कह सकूं। किसने नजर मारी? अब एक मिनट रुको, चलो इस पर दिमाग लगाओ। आज और उन दूसरे दिनों में क्या फर्क है? वो ये आप शगुनी है। क्या सब ठीक है? नहीं, वो बाहर खड़ा है और हमारा इंतजार कर रहा है। अब हम क्या करें? जहाँ तक मेरा सोचना है, हमारे पास दो चारे हैं। एक, हम इसे अपने साथ रहने दे और सारी जिंदगी पछताते रहे, या फिर दो, हम जमीन के नीचे जाकर चूहों की तरह छिप जाए और सिर्फ खाने के लिए बाहर आए। तीसरा रास्ता हमेशा होता है, उससे और उसकी सैंडविच से पीछा छुड़ाओ। मैं इसकी बात से सहमत हूँ, पर अगर वो छोटा लड़का पीछा छोड़ना ना चाहे तो? हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये आसान होगा? वो तो सिर्फ एक छोटा बच्चा है, उससे निपटना भला कितना मुश्किल होगा। काम हो गया। We'll be right back.
सैंडविच खाओ बच्चे के बारे में गलत था, वो कुछ ज्यादा ही चिपकू है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा? हमें ज्यादा सख्त कदम उठाने होंगे। अच्छा देखो बच्चे, हमारे पास एक पुराने खजाने का नक्शा है। देखो तुम यहाँ हो और वो खजाना वो वहाँ पर है। हाँ, शहर के बिल्कुल दूसरी तरफ। तो जाओ बच्चे, अपनी किस्मत आजमाओ। तैयार हो? पर ये नामुमकिन है, हमें उससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। शांत रहो टीजे। शांत? मैं शांत नहीं हो सकता। अगर हमने जल्दी इस बच्चे से छुटकारा नहीं पाया तो जिंदगी भर हमें बदनसीबी का सामना करना होगा। हाँ, पहले तो ये इतना बुरा नहीं होगा, कभी किसी के सर को लगेगा तो कभी किसी की बैट टूटेगी, पर वो तो सिर्फ शुरुआत होगी। हम एग्जाम में फेल होने लगेंगे और हमारी मनपसंद कॉमिक्स खोने लगेंगी। नहीं, फिर जब हम बड़े होंगे तो काम चोर होते जाएंगे, किसी छोटी सी दुकान में नौकरी करेंगे और शनिवार रात को बाहर से खाना मंगवा कर खाएंगे। और क्यों? क्योंकि हम एक बच्चे से छुटकारा नहीं पा सकते। पर हम करें तो क्या टीजे, सब करके तो देख लिया। वैसे एक चीज है जो हमने ट्राई नहीं की, हम लोगों ने तो कभी उसे जाने के लिए कहा ही नहीं। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? देखो बच्चे, मुझे नहीं पता है कैसे कहूँ, पर अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो तो, मेरा मतलब तुम्हें एतराज़ ना हो। हमारा पीछा छोड़ दे, समझा? पता है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। दिन था। हमने जो कुछ भी उस बच्चे से कहा उसके बाद मुझे खुद से नफरत हो रही है। चलो भी, ये तो करना ही था। सही कहा, वरना अब तक हमारी किस्मत बुरी ही रहती। हाँ, आखिर एक चीज तो है जिसकी हमें फिक्र नहीं करनी होगी। बोल संभालो। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा। मैं अंधा हो गया। अरे सॉरी दोस्तों, पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। बदनसीबी। हाँ, ये बदनसीबी हमारा पीछा कब छोड़ेगी। हाँ, पर अगर हमारी किस्मत अब भी बुरी है तो इसमें उस लड़के का कोई हाथ नहीं था, हमने यूं ही उससे बुरा बर्ताव किया। मुझे खुद से चिढ़ हो रही है। चलो हम उसे ढूंढते हैं। जगह ढूंढा पर वो नहीं मिला। मुझे भी। हे देखो। हे बच्चे, तुम कहाँ थे? हम कब से तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। सुनो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम वाकई चाहते थे कि तुम हमारे साथ रहो। बस उस वक्त हमें ये मालूम नहीं था। देखो, हम समझते हैं कि तुम हमसे अभी तक नाराज हो, पर हमें कुछ बातें समझ में आ गई है। हाँ, हमें ये एहसास हुआ कि हर बच्चे को अपनी मर्जी से दूसरे बच्चों के साथ रहने का पूरा हक है। और, और सिर्फ इसलिए कि एक बच्चा शांत है, हम उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। और कभी न कभी सभी शांत रहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो अपशगुनी है। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सैंडविच खाओ बच्चे, तुम्हारी बारी है। उसे याद रखने के लिए बस यही रह गया है। शांत हो जाओ दोस्त। मुझे लगता है हमें सबक मिल गया। हाँ, मैं कभी किसी बच्चे से ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा। मैं भी। और मैं भी। चलो चलकर कोई अच्छा सा खेल खेले। हे देखो, एक नया छोटा बच्चा। इसे देखकर किसी और की याद आती है। हाँ। हम वही गलती नहीं दोहराएंगे जो हमने पिछली बार की थी, है ना दोस्तों? हाँ। तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? Bravo!